इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि आप जो जामिया में जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल के लिए, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इसको जो फॉर्म जो फिल किया है वो सक्सेसफुल हुआ, यानी कि मतलब सही से फिल हुआ या वरना गलत हो गया। तो आप ऐसे में सिंपल जामिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और सर्च करेंगे JMICU.IN, सिंपल गूगल पर जाके सर्च कर लेंगे। और जैसे ही जब सर्च करेंगे तो उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। सपोज कोई स्टूडेंट्स अगर स्कूल के लिए करा हो तो सिंपल वो स्कूल वाले लिंक पे आकर, यूनिवर्सिटी के लिए करा हो तो सिंपली यूनिवर्सिटी वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम जो है फिलहाल स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल क्या करें, पे लिंक पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, जो साइन इन का जो बटन दिख रहा है, आप सिंपल साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही जब साइन इन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का सीन दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल इसमें ईमेल आईडी पासवर्ड और डालने का सिंपल सबमिट कर देंगे। पासवर्ड मैंने बताया है कि पासवर्ड आपको क्या करना है, अपने ही अगर भूल गए हैं तो आप अपने ही ईमेल पे जाइए और वहाँ सर्च करिए एडमिन का नाम से, और एडमिन के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पासवर्ड भी मिल जाएगा, और उसके बाद आप उसी पासवर्ड से डालकर ओपन करेंगे। इनकेस अगर पासवर्ड भूल गए, एकदम से नहीं लॉगिन हो रहा है, तो फिर ऐसे किस्म में फॉरगेट पासवर्ड पे जाकर फॉरगेट करिएगा। वहाँ पे आपको ईमेल डालने बोलेगा, जो आपने ईमेल डाला फिर आपको आपके ईमेल पे एक लिंक जाएगा और उसके थ्रू आपको पासवर्ड बन जाएगा, यानी उस पर आपको पासवर्ड चला जाएगा। सो अब इसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, लॉगिन कर रहे हैं। अब जैसे ही जब लॉगिन करेंगे तो उसके बाद इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे वो हर डिटेल भी दिखेगा जो आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको अभी मैंने बताया कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि हमारा फॉर्म जो फिल हुआ या नहीं, आप क्या करेंगे, सिंपल जो प्रीव्यू फॉर्म का जो सीन दिख रहा है आपको, सिंपल प्रीव्यू फॉर्म या फिर एप्लीकेशन माई एप्लीकेशन पर जाइए या फिर प्रीव्यू फॉर्म पर जाइए। हम सिंपल क्या करते हैं, अभी हम माई एप्लीकेशन पर जाकर चेक कर रहे हैं। अगर आप जैसे ही ओपन करेंगे और अगर आप इसे डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे अपने मोबाइल में ही, तो तीन चार चीज़ें आपको दिखेगा। सबसे पहले ये कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है, यानी फॉर्म फिल कर दिया है और अगर पेमेंट कर दिया है, तो आपका ये जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है, चाहे वो किसी भी कोर्सेज के लिए, सिंपल यहाँ पे आपको कंफर्म एंड पेड शो करेगा, पहली चीज़ जब पेमेंट कर देंगे तब। दूसरी बात ये कि आपके पास एक ईमेल भी आएगा और उस ईमेल का नाम होगा EBS के नाम से। उस ईमेल में आप साफ आपका मेंशन रहेगा स्टेटस कंप्लीट, उसमें मेंशन रहेगा नीचे स्टेटस कंप्लीट। अगर आपका स्टेटस कंप्लीट है, इसका मतलब है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है। क्या कहा मैंने, आपको EBS से सिंपल सर्च करेंगे, EBS जाकर अपने जो आपने ईमेल डाला है जामिया के फॉर्म फिल करने में, उसी ईमेल पे, यानी जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया उसी ईमेल को ओपन करेंगे, उसमें सिंपल सर्च करेंगे EBS। वहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, मतलब उसी के नीचे ईमेल में आपको मिल जाएगा जब EBS सर्च करेंगे, तो उस ईमेल पर आपको मिलेगा स्टेटस में कंप्लीट। जैसे कंप्लीट दिख जाए इसका मतलब आपका पेमेंट हो रखा है। फिर इसके बाद जब आपका पेमेंट होगा, यहाँ पर आपको पेमेंट आईडी भी मेंशन किस कोर्स में किया वो भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी भी दिख जाएगा। तो ये इस तरीके से आप जो है अब अपना कह सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस वेरीफाइड हुआ, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुआ नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अभी अगर जिस बंदे का ये स्टेटस दिखा रहा है, इसका मतलब कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, उसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसी में एक बात और ऐड करते हुए चले कि देखिए, अब अगर एडमिट कार्ड की बात कर ले तो आपको ये जिससे तीन सेक्शन अभी दिख रहा है, अगेन जो होगा यहाँ पे एक सेक्शन और ऐड होगा, या तो ये आप मेकअप है वो एक सेक्शन है, वैसा होगा जल्दी, यानी एडमिट कार्ड आएगा। तो यहाँ पे आपका सिंपल एडमिट कार्ड का सेक्शन लिखा रहेगा। आप सिंपल जैसे जिस तरीके से हम अभी प्रीव्यू फॉर्म में जाके कैसे चेक किए, ऐसे ही आपको एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपका प्रिंट का ऑप्शन देगा, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने का मेरे ख्याल से मोबाइल में नहीं होगा, आप किसी साइबर कैफे में जाकर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में कमेंट करके बताएं, उस पर वीडियो जरूर आ जाएगी। एंड इस तरीके से आप यहाँ पे भी जैसे मेकअप पेमेंट के लिए कोई घबराए नहीं कि उसका पेमेंट नहीं हुआ, असल में आपको स्टेटस देखना है, और वो आप कहाँ देख सकते हैं, माई एप्लीकेशन पे। वो शो कर रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका स्टेटस पे दिखना चाहिए कि हाँ भाई हमने पेमेंट कर दिया है। सो थैंक यू।